हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पिकेटेक में। दोस्तों ये वीडियो न्यू ट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे यार, क्योंकि हम लोग स्ट्राइक्स के बारे में तो वो जानते ही हैं, बहुत आसानी से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्लेम्स के बारे में भी जानते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक के बारे में क्या होता है, कैसे ये आती है, मैं आज आपको प्रॉपर वे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि यार हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक और कॉपीराइट स्ट्राइक में अंतर क्या है, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है। हमको यही पता नहीं होता है हम लोग डिफरेंस क्या है। जो न्यू यूट्यूबर्स यार उनके लिए, जिनको नहीं पता मेरे दोस्त, ये वीडियो उनके लिए है। जिनको पता है मेरे दोस्त, आप यहां से स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं प्रॉपर वे में कि आखिरकार ये क्यों आती है और कितने टाइम में आती है और कैसे आती है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब बात करते हैं यहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक हमारे बेसिकली तरीके से, अगर हम किसी की वीडियो या किसी का म्यूजिक या किसी का फोटो या फिर मतलब कोई पॉपुलर चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक प्लेटफॉर्म है यार, जैसे एल्ट बालाजी हुआ या कोई वेब सीरीज हुई, अब मालूम चलिए कुछ भी आप किसी के बारे में बता रहे हैं या कुछ करने के लिए कह रहे हो, डाउनलोड करने के लिए कह रहे हो, तो अगर आप किसी भी पेड चीज़ों के बारे में अपने चैनल पर बता रहे हैं दोस्तों, तो वो आपको तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। क्यों? क्योंकि इससे उसका नुकसान है। आप समझ गए होंगे कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है। अगर आप पहली बार गलती करते हो अपने चैनल पर तो आपको कॉपीराइट क्लेम आता है, जिसके कारण आप अपनी वीडियो को इजीली डिलीट कर सकते हो, जिससे आपको स्ट्राइक नहीं मिलती है, ठीक है ना। हो सकता है दूसरी बार भी ये दोस्त आपको यूट्यूब क्लेम देता है, और हो सकता है तीसरी बार भी आपको क्लेम देता है अगर आप ये गलती अनजाने में किए हो और छोटी मोटी गलती है तब। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार अब मैं चौथी बार गलती करूं तो आपको 100% स्ट्राइक मिलेगा, वही कॉपीराइट स्ट्राइक में आ जाएगा। और अगर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गई हैं विद इन 3 मंथ्स, तो आपका चैनल जो है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा और टेकडाउन कर लिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से, यानी कि आपका चैनल परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। ये थी कॉपीराइट स्ट्राइक की बात। अब आते हैं कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है ना। कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आखिरकार होता क्या, ये क्यों आता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी का म्यूजिक इस्तेमाल करें, अगर किसी की वीडियो इस्तेमाल करें, किसी की फोटो इस्तेमाल करें या किसी भी पॉपुलर चीज़ के बारे में बताएं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, ठीक है ना, जो कि हमारा कॉपीराइट देता है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारी एक ऐसी गाइडलाइंस है जो कि यूट्यूब के द्वारा निर्धारित की गई है। जैसे मान लीजिए आप किसी की सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज़ अपनी यूट्यूब पर बता रहे हैं जो कि मानव जाति के लिए हानिकारक है, यानी आप बताने चाह रहे हैं कि इस वीडियो को, या मालूम चले आप बताना चाह रहे हैं कि पर किसी भी इंस्टाग्राम का लॉक कैसे तोड़ें, आप बताना चाह रहे हैं किसी की आईडी कैसे हैक करें, आप बताना चाह रहे हो कि किसी भी सिक्योरिटी को कैसे चेंज करें, आप बताना चाह रहे हो किसी की एप्लीकेशन को कैसे हैक करें, मेरे दोस्त ये हार्मफुल है और आपको कभी भी कम्युनिटी गाइडेंस स्ट्राइक आ सकती है। तो ये छोटी सी बात थी जिसको हम लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। देखिए कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक हमेशा गाइडलाइंस स्ट्राइक पर आती है, हमेशा कॉपीराइट पर नहीं आती है वो, कि आप किसी का म्यूजिक इस्तेमाल किए हो, आप किसी का वीडियो इस्तेमाल किए हो, फोटो इस्तेमाल किए हो, उस पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक नहीं आएगी। और याद रखिए जब आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस पहली बार आएगी तो वो सिर्फ आपको वार्निंग देगी कि आपका ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है ना। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देखे होगे मेरे दोस्त, मैं आपको दिखाया गया हूँ, वो मेरे ही चैनल की पड़ी हुई है। क्यों, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। देखिए अगर आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, ठीक है ना, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो वो सीधा बोल देता है कि ये वीडियो, दिस कंटेंट डजेंट फॉलो अवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है ना, यानी कि ये कंटेंट आपका जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, यानी आपकी ये डेंजरस वीडियो है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं और आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अगली बार से अगर आपके पास आया तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक दे देंगे और आपका वीडियो या आप 1 हफ्ते तक अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे, ऐसा भी आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। यार मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि आपके लिए वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।